ये देखिए हमारे दही की कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें पालक को फ्राई करेंगे। चाट का मसाला जो कि हमारे पालक पत्ता चाट के लिए जाती है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा, और जीरा को हम भूनेंगे, थोड़ा सा धनिया, ये इलायची दाना है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैं इसको भूनूंगा। चाट के मसाले में और नॉर्मल मसाले के भूनने में थोड़ा फ़र्क होता है, चाट का मसाला थोड़ा ओवर भुना जाता है। ये हमारा हो गया है, अब हम इसको पाउडर बना लेंगे। अब हम बनाएंगे सौंठ। सौंठ के लिए मैंने इमली को सोक करके रखा था 2 से 3 घंटे के लिए, उससे सॉफ्ट हो गई। सॉफ्ट होने के बाद फिर मैंने इसका जो है पल्प निकाल लिया है। अब जो है सबसे पहला इसके अंदर एक बॉयल आना चाहिए, बॉयल आ जाए फिर मैं इसके अंदर चीनी डालूंगा। आप ये सौंठ जो है आमचूर से भी बना सकते हैं, बाजार वाले जो बनाते हैं वो आमचूर से बनाते हैं, बट इमली की सौंठ का टेस्ट अलग ही होता है, तो मैं जो है वो इमली की सौंठ बना रहा हूँ। ये बॉयल आ गया है इसके अंदर। अब मैं जो सबसे पहले डालूंगा, मैंने 200 ग्राम इमली ली थी, 200 ग्राम इमली के अंदर मैं तकरीबन 650 ग्राम चीनी डालूंगा। मैंने चीनी डाल दी है इसके अंदर। एक बार इसके अंदर चीनी डाल के चीनी घुल जाए फिर मैं इसके मसाले एडजस्ट करूंगा। जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए आप सौंठ की। अब जो है मैं इसके अंदर मसाले डालूंगा। गैस मैंने हल्की कर दी है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इसमें जाएगी ये थोड़ी सी लाल मिर्च और देगी मिर्च फॉर कलर। अब इसमें जाएगा काला नमक, ये जाएगा सौंठ का पाउडर, ये जाएगा थोड़ा सा कचरी पाउडर। अगर आपने पुराने दिल्ली साइड पे कभी चाट खाई हो तो आपको उसमें नज़र आता है दानेदार कुछ चीज़ नज़र आती है सौंठ के अंदर, वो कचरी पाउडर ही होता है। कचरी पाउडर जो है सौंठ के फ्लेवर को ज़्यादा एनहेंस करता है। अभी इसको मैं थोड़ा और पकाऊंगा सौंठ को। अभी इसमें एक चीज़ और पेंडिंग है, वो है भुना हुआ जीरा। वो थोड़ा और सौंठ पक जाए फिर मैं उसमें डालता हूँ। ये है भुना हुआ जीरा। ये हमारी सौंठ अब रेडी हो चुकी है, अब हम इसको ठंडा करने रख देंगे। ये देखिए हमारी सौंठ की कंसिस्टेंसी, जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये और ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। आपको इसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से रखना है। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये देखिए चम्मच के पीछे ये सौंठ चिपक रही है। ये जो है सबसे ज़्यादा पहचान है कि सौंठ हमारी बन चुकी है। अब हम बनाने जा रहे हैं पालक पत्ता चाट। तो उसके लिए हमने सबसे पहले बेसन ले लिया, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन और हींग और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। साथ में इसमें जाएगी पिसी मिर्च। इसमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको बैटर बनाएंगे और हमें इसके लिए थोड़ा पतला बैटर बनाना है। इसके अंदर जितने भी लम्स नज़र आ रहे हैं वो हमें ख़त्म करने हैं। ये देखिए ये हमारा जो है पालक पत्ता चाट के लिए बैटर जो है रेडी है। इसको जो है अब हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इतनी देर में मैं पालक पत्ता चाट के लिए जो दही चाहिए मुझे मैं वो रेडी कर लेता हूँ। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि जिनसे ये हलवाई का जो दही होता है गाढ़ा क्यों होता है। अब मैं इसको छाननी में निकालूंगा और ना कि मैं इसको फेंटूंगा। वो लोग तो मलमल के कपड़े में निकालते हैं, आपके पास अगर मलमल का कपड़ा है तो आप मलमल के कपड़े में भी इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो गुठली नहीं रहती इसके अंदर और एकदम स्मूथनेस रहती है। और अब मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूंगा। ये देखिए आप दही की स्मूथनेस देख रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगा बर्फ़। ये मैंने 4-5 क्यूब इसके अंदर बर्फ़ डाल दी है और अब इसी बर्फ़ के साथ मैं इसको थोड़ा सा पतला करूंगा। इसी के साथ इसको हिलाते रहें ताकि ये दही इसी में ही पतला हो जाएगा। इससे क्या होता है, बर्फ़ जो है हल्का हल्का अपना पानी छोड़ती जाएगी, जैसे जैसे घुलती जाएगी वैसे वैसे हमारा दही भी थोड़ा पतला होता जाएगा। और लास्ट में इसमें थोड़ी सी क्रीम डालूंगा मैं। ये मैं इसमें डालूंगा तकरीबन 50 ml दूध और ये थोड़ी सी क्रीम। ये करीबन मैंने इसके अंदर 50-60 ml डाल दिए और अब मैं इसको मिला लूँगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक और ये चीनी का बूरा। और अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने इसमें फॉर्च्यून का ही रिफाइंड यूज़ किया है फ्राई करने के लिए, आप चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पालक को फ्राई करेंगे। इसको एक बार निकाल लें और फिर दोबारा डालें, उससे इसके अंदर क्रिस्पनेस ज़्यादा आएगी। अब मैं इसको दोबारा डाल रहा हूँ।
अभी हो चुका है, मैं अब इसको डिश आउट कर रहा हूँ। अब हम इन सबको असेंबल करेंगे। सबसे पहले अब हम इसके ऊपर डालेंगे सौंठ, थोड़ा सा दही, ये हमारी हरी चटनी है, ये जो चाट का मसाला मैंने बनाया था ये वो है, थोड़ी सी मसाला सेव, ज़ीरो सेव सॉरी, ये हमारे अनार के दाने, थोड़ी खट्टी चटनी और मीठी चटनी, और लास्ट में हीरो ऑफ द डिश हरा धनिया। ये अब हमारा पालक पत्ता चाट रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।